बुढ़िया कटल बुढ़िया के तारा चलते हम डोम बनो डोम का है ऊ का है जरा के भेदियन पिगियन सुन इतना पिछिल के पुरसनवा हां फालतू हमरा से ना बोल सकेला तन विद्वता से लड़ा जा छोड़िए फालतू की कहानी नहरा का छाटो ससुरारिए बड़ी सुंदर सुंदर गीत कौर भैया गनैया के मौका दे दे मारा रुआ के देख देख के छोट कलाकार लोग शिक्षित होले हां कि ऐसे गावे के चाहे हां अरे वे फालतू बोले लगनी गनैया मौका दे गनैया मौका के बिक देनी रुआ गनैया के गणुआ देने फालतू बोले के नहीं कि हम कुंवर जी नहीं खी हम विद्वता से लड़ते हैं कुलैको काले बोल लवा ओ तो पागल है ये हवे कुल पागल इकाई ये एगो कहत रे लइका कुंवर जी के लय गाव त कुंवर जी के लय हो हनुमान पट्ठा के उलय है अभी तो छोट बड़ा नु तू पुत्र बड़ा भी बड़ी दिल्ली दुर्बा भी प्रयास कर कहत रे हमर गीत गाव त रे हां अरे वा के गीत गाले बने नु सपोज दैट चश्मदीद गवाह के अनुसार अदालत उस नतीजे पर पहुंची है आपका लय गाए हैं ना हाँ। आपका पूरा गीत याद होगा क्या अंतरा बोले हैं तनी खड़ा होकर बोल दीजिए तो बोलिएगा बोलिए दाची हारे लगे तुरंत ये आप कहने गीत गाए हैं हम तब बोल दीजिए समाज के सामने कि क्या मैं अंतरा बोला हूँ दाँची हार दबा ढोला गुलामी की जिंदगी से आजादी का मौत बेहतर होते हैं गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं पराई अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं हर यार वफादार नहीं होता हर पत्थर चमकदार नहीं होता न जाने वन में कितने फूल खिले होते हैं राजा ढोलन हर फूल को सुबदार नहीं होता बड़ भाई को छोड़ता है ना विधवाता से लड़बत तो अपना तो ये तो फालतू छोटकन छोटकन चिटपुटिया बोला तरम सा हमने वही ना नहीं जो हमने कुछ अलग लिख पर रहे विधवाता से लड़ी है क्या कह रहे हैं कि रावण इसलिए खराब था देख लीजिए देख लीजिए रावण इसलिए खराब था वो जगदामा को हरण कर लिया था कुंवर जी ध्यान दीजिएगा हमारी बात को दुगोला सुनते हैं लेकिन ये कुछ अलग दुगोला सुनिए आप लोग ध्यान दीजिए कुंवर जी तो हम आपसे पूछते हैं आपका बहन का कोई नाक कान काट देवे तो उसका मेहरारू के हरण के देता आप गलत हैं गलत हैं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए तो रावण के बहन के राम ने नाक कान काट दिए शादी नहीं करना था तो नाक कान के काट दिए छोड़ देते आपकी ही बहन चाहे मेरे बहन को कोई नाक कान काट लेगा तो उसका मेहरारू का अपहरण हम करिए तो जगदामा दिख रहे कि मनी प्रतिष्ठा दिख रहे हैं अपने खोखा खोखा कर दो जितना रावण इज्जत किया सीता को उतना राम नहीं किया कुंवर जी सुन लीजिए सुनिए तो लिख लीजिए हम लिखने वाला बात बोल रहे हैं चश्मावन निकाल के बिक दे बारी तुरंत महाभारत खत्म कर दे जितना रावण प्रतिष्ठा में सीता को रखे उतना राम नहीं रखे ना रावण का पैर राम से था सीता से क्या लेना था ना उसे क्या था उस सीता को ले जाकर के अपहरण करके एक सुंदर बालिका में बेचारा रखा था रावण सीता को इतना इज्जत किया कि सुंदर बाटिका में रख दिया था अशोक बाटिका जो सुंदर रावण के बाटिका था वो गलत का सीता संग किया जो अपहरण करके ले जाने की जिसका शक्ति है सुन लीजिए महानुभाव जी जो शख्स के अपहरण करने का शक्ति क्षमता है वो ले जाकर कुछ करने की उसको क्षमता नहीं है तो ले जाकर सुंदर बाटिका में तो रावण के आप खराब कर रहे हैं राम कितना बढ़िया कि सीता को अग्नि परीक्षा लेते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किए गर्भवती महिला को वन में निकाल दिया धोबी के कहने के चलते क्या एक अच्छा पति क्या कर्तव्य है नहीं अपनी अग्नि परीक्षा लेते हुए धर्म पत्नी गर्भवती महिला को कोई स्त्री को वन में निकाल दे क्या अच्छा पति का कर्तव्य है नहीं विचार कीजिए एक अच्छा राजा के कर्तव्य हो सकता है लेकिन एक अच्छा पति का कर्तव्य नहीं है स्त्रियों का पूजना राम का व्यर्थ है रावण बेचारा क्या किया सीता ने फिर वही गर्भवती महिला को राम ने वन में निकाल दिया रावण बेचारा क्या किया सीता को तो दुख राम दिए
होश में रहिए, खोपड़िया लग उल्टा जाय तुरते जय दी बुरबक के 2 रुपया दे दिया बुरबक। अरे भाई सुना, रुपया न कम बा, रुपया एकरा के ले जाई आगे बढ़िया आगे आगे बढ़िया। हो पिंकिया के कलकत्ता सोना गाछी में दुकान को अब भीड़ लग जाई तब ओकरा औने भीड़ लगे तो कह देब के ने राजा ढोलन का काउंटर भी इमरजेंसी के लिए खाली है। खड़ा हो फालतू बोलम धरा जाई, फालतू बोलम धरा जाई बेइज्जत एइज्जत तो माने लोग माफ कर दे, हो जा के माफ कर दे के करे हमरा के कहते कि चिल्ली दूरबीन से तो पिंकियो तने जाके हमरा अच्छे से दिखावत दिया तने को हम लौर होके तो देब हमरा के लौर लाठी जाए जाए बांस दी ते बुढ़िया का दांत यहां दे तने छाटल एगे बुढ़िया अर ससुरारी में सेल दी कोई जगह पिंकिया राजा ढोलन के कोई पर भी नहीं चले, कोई पर भी नहीं चले। इधर सब बोलेंगे कि हमारे राजा ढोलन रेल मंत्री बोल रहे हैं, जमराज के कि हट हट हम ठेल मंत्री बोल रहे हैं। छाटल ससुरारी में सेल्दी ए पिंकियो ए पिंकियो त लगबू चिल्लाए बिना छिलल ढकेल दी, लगबू चिल्लाए बिना छिलल ढकेल दी। बुढ़िया कथल बुढ़िया के तारा चलते हम डोम बनब, डोम का है ओ का है जरा के भेजियन पिगियन सुन इतना पिछिल का पुरसनवा। हां फालतू हमरा से ना बोल सकेला, तन विद्वता से लड़ा जा, छोड़िए फालतू की कहानी। नहरा का छाटा ससुरारी चिल्लाए बिना सब प्राणी है जो हंसते नजर आता है और सृष्टि पर कोई जीव जंतु नहीं हंसते हैं, मानव ही एक प्राणी है। पिंकिया हेलो हेलो रिपीट ना चाहे हल्का हल्का पिंकिया सांड भैंसा के हंसल देखले बड़ू कि ना के तरिया सांड भैंसा के देखले बड़ू हंसल 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 ऐसे मारहु तो होई तो ऑर्डर लियो निकाल सांड भैंसा के ना क्यों देखले जयन सतन चेक कर ले से पहले ए से कह के बात बा तनी लूर सीख लो। अब टिकिया पर लख हो गेल तइयो वही रंग रखत रह हैसे से कोनो तोरल बनावे पर तो हमरा भगवान ओरिजिनल मरवाओ न के लगदा कि ओडीएफ करावे ए से कह के बात एही जा के कोइल धोइल वही जा बुझाई एजा के कोई लही लोई जा बुझाई मुन्ना शर्मा जी की ओर से बहुत बहुत के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करते एही जा के कोई लही लोई जा बुझाई बुझाई आ करबू कमाई वैसा नागही में जाई अरे मिनी लज्जाबानत नहीं वही जा से बेल दी पिंकी तलक मुझे चिल्ला है बिना चिल्ला ले ढकेल दे
बुढ़िया के परेशान करके चाहिए भाई के बाद तो मर लगो के लगतो के गाया जाई थी तुरते हो बुढ़िया के वाले ठाकुर दे सके कोई अच्छा तो का करब देखो हम हर वक्त कहिले हां खोजवा के द्वार पर बोलैबा नहीं हां तो गौना ही ना गाई ना गाई ना गौना ही गाई खोजवा के द्वार पर बोलैबा तो मुंह चमकाई चाहे भीड़े भगाई हाय गधा के लिए जदी जाके ले तो अपने लिपाई न गोबरे पथाई पथाई अब बोका के मुंह पर माइक लगा देम नु हां टेंट के पैसा डाले जे ऐसे पिंकिया अरे छूट जाई नैहरा के मजा हो मरल लगा कहे सुदर्शन की पीग दी हिला लगा कहीं के ले जाओ बुढ़ा कबूतर बुढ़ी कबूतरी दोनों फालतू प्रोग्राम कर रहा था ले जाओ तो जमहराज ले जाके मरी है कुछ दूना भला अरे ऐसा मुरछाइल भाला मुंह में मेरे ऐसा मुरछाइल भाला मुंह में मेरे इसलिए बुढ़िया समझ जाओ न लगबू चिल्लाए बिना चिल्ला ले ढकेल दी